এটা আচৰিত দৃশ্য। এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। এয়া হৈছে মদ কাকুৱা। শিলচৰ ঐতিহ্যবাহী গান্ধী মেলাত দেখা গৈছে মদ কাকুৱা। বিহাৰৰ পৰা অহা এইসকল ব্যক্তিসকলে মদ কাকুৱাৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে কিছু অভিনৱ কৌশল। ৰাইজৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মদ কাকুৱাত এনেধৰণৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইসকল ব্যক্তিৰ কাৰুকাৰ্য আপোনাকো হতবাক কৰি তুলিব। এয়া চাওক কেনেদৰে এটা কুঁৱাৰ ভিতৰত দুই আৰু চাৰিচকীয়া বাহন চলাইছে। सोनू हुआ, वैसे मेरा एमडी आसिफ हुआ। अच्छा, पटना से हूँ। अच्छा, और यहाँ पे कितने लोगों का आपका टीम है? अभी यहाँ पर मैं 7-8 आदमी, हम लोग कलाकार है। अच्छा। 7 कलाकार का टीम है। और आप लोग हर एक मेले में जाते हैं? ऑल ओवर इंडिया टूर रहे हैं। मोटा मोटी बहुत दिन हो गया, 15-16 साल से। इसीलिए कठिन तो है, प्रैक्टिस है, बैलेंस है, रिस्क है, तभी तो आदमी आता है देखने। जैसे गेम में रिस्क नहीं रहेगा, उस गेम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसलिए आदमी अबे इस लाइन से सबको एंजॉय मिलता है, इसको देखने से सबका दिल खुश होता है, इसलिए मनोरंजन मिलता है, इससे हम लोग का भी पेट चलता है, रोजी रोटी है सब। मतलब आदमी एक दूसरे से लिंक बना हुआ। प्रैक्टिस देखिए डिपेंड होता है टैलेंट के ऊपर, आपके अंदर कितना टैलेंट। आप 6 मंथ में भी सीख सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके अंदर मतलब इसमें थोड़ा सा इसमें हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, बहुत तरह का टैलेंट चाहिए, समझा। साल भर भी लग जाता है, बहुत आदमी है कि बहुत ऐसा काम है, हर वर्क एक टैलेंट के ऊपर होता है, चाहे वो किसी तरह का वर्क हो, समझा, किसी तरह का वर्क हो वो टैलेंट के ऊपर है। आपका क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है सीखने का, आप जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी सीख जाएगा, जितना लेट चाहिए उतना लेट सीखिएगा। और पिता प्लस हम लोग का मेले से समझिए एक पुराना बिजनेस चला आ रहा हम लोग का। अच्छा, शुरू से ही हमारे दादा नाना जो थे वो पहले इसी काम से जुड़े हुए थे। वो पहले चिड़ियाखाना मतलब डेवलप समय के हिसाब से डेवलप करते चले गए। पहले चिड़ियाखाना था, फिर झूला बना, फिर कुछ और बना, अभी फिर मौत का कुआं बना। तो जैसे जो जो चीज नया आता मार्केट में तो वो चीज अट्रैक्टिव जैसे होने लगता है, तो आदमी को मेरे बाद आने वाला फ्यूचर को नहीं चाहेंगे कि इस लाइन से जुड़े। परिवार छोड़ के आदमी इधर से उधर प्लस बहुत तरह का बात है, रिक्शे कब क्या होगा कोई नहीं जानता है ना। तो घटना तो छोटा मोटा होता रहता है, घटना तो देखिए अब फ्लैट उड़ रहा है आसमान में, वो कभी कुछ हो जाता है, हाईटेक हो जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। रोड में गाड़ी चलते हुए होता है, ये तो रिक्स काम है, इसको इंटरेस्ट लगता है आदमी, रिक्स है इसीलिए आदमी को इंटरेस्ट आता है, तो हमको देखने आता है, हमको देखने नहीं आता, हमारे कला को देखने आता आदमी, समझ, हमारे खेल को देखने आता है, इसी वजह से। तो रिक्स गेम है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। बस गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ भी हो सकता है, मशीनरी चीज़ है। अब अचानक से ऊपर में कुछ ज़मीन में तो आप रुक सकता है गाड़ी, थोड़ा दूर यहाँ नहीं रुकेगा, आगे जाके रुक जाएगा, लेकिन ऊपर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने से वो तो रुकने का चांसेस नहीं है ना, वो तो आपके लक के ऊपर है। दिल खुश हो जाता है जब पब्लिक खुश, तो हम भी खुश हो जाते हैं।